हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और गाइज इसमें पहले हम गाइडेंस देखेंगे, फिर उसमें डिटेल एनर्जी चेक करेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए और हम जो सेकंड वीडियो डालेंगे इसमें, उसमें हम एक क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स ने क्वेश्चन पूछा है या जो अभी आज इस वीडियो में पूछेंगे उसका हम रिप्लाई देंगे। डेली एक क्वेश्चन लेंगे दूसरी वीडियो में। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देखेंगे और जो सेकंड रीडिंग में डालूंगी उसको देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो उनके क्वेश्चंस मैं वन बाय वन लेते जाऊंगी और मैं वो क्वेश्चन कहीं भी ले सकती हूँ, आगे भी ले सकती हूँ, बीच में भी ले सकती हूँ, लास्ट में भी ले सकती हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऐड आए उसको स्किप ना करें प्लीज़। हम आपकी इतनी हेल्प करते तो आप हमारी भी हेल्प करिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डेली मैं पर्सनल रीडिंग एक किया करूंगी फ्री में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपकी डेली एक जो है पर्सनल रीडिंग किया करूंगी फ्री में। अब जो सेकंड रीडिंग आपके पास आएगी शाम तक, एक पर्सनल रीडिंग आपकी मैं करने वाली हूँ उसमें, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो गाइस अभी हम सबसे पहले तो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को भी गाइडेंस मिलना ज़रूरी है कि वो अपने पार्टनर के लिए देखते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उनका ख्याल रखें। तो अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे उनके लिए क्या आता है। ये कार्ड भी बाहर आ रहा है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। एक और से देख लेते हैं, आपके लिए डिटेल में डेली गाइडेंस आपको मिल जाएगी यहाँ से। एक ही रीडिंग में आपको दो दो फायदे हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए कि क्या उनके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कि लेट गो कर दीजिए, पास्ट को आप लेट गो कर दीजिए, जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको लेट गो कर दीजिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको उसको रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि किसको आपको छोड़ना है, जिससे आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट कर रही है, यानी कि जिसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या छोड़ना है, आपके आसपास की नेगेटिविटी से दूर रहना है या अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, अपने आप को दूर रखना है, यानी कि बार बार उन नेगेटिव थॉट्स को अपने पास नहीं लेकर आना है। तो ये कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए। दूसरा है कि अभी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप अपने लिए एक न्यू पार्टनर चाहते हैं, सिंगल्स हैं आप, तो आपके लिए जो है न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब उसको ग्रैब करिए। यानी कहने का मतलब है कि जो पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहता है उसके लिए जो है आप आगे बढ़िए और परफेक्ट टाइम है ये आगे बढ़ने का, उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट जो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, बार बार आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब मेरी ज़िंदगी में क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। तो इससे ज़्यादा बेटर आंसर आपको कोई नहीं दे सकता है जितना एंजल्स आपको दे सकते हैं, ठीक है? अभी हम दूसरे
आंसर और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिला है। यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने मन का, शरीर का और आत्मा में तारतम्य बनाइए, यानी कि उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, बॉडी माइंड और सोल में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सब कुछ आप करेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही स्मूथ चलने लग जाएगी, ठीक है। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि आपके भीतर जो यिंग एंड एनर्जी है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जी है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इम्बैलेंस होने से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी यिंग एनर्जी जो है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करके हम बैलेंस कर सकते हैं, और जितना हम बैलेंस करेंगे उतना हमारे जीवन में हार्मनी और पीस आएगी। आप करके देखिएगा, आप इसको करके देखिए, एकदम जो है आपको फिट एंड फाइन बना देगी ये मेडिटेशन, ठीक है। यानी कि जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आप उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, कौन क्या कर रहा है आप उसके हाल पर छोड़ देंगे, और आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अब अगर टेंशन लेते हैं तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, आपकी हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, सातों चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ठीक है। फिर कोई कहीं जाए, क्या करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और उचित उड़ान भरिए। यानी कि इस ज़िंदगी में जब आप आए हैं तो आपको कड़वे मीठे अनुभव मिलेंगे, कोई दुख देगा, कोई खुशी देगा, कोई अच्छे शब्द इस्तेमाल करेगा, कोई बुरे शब्द इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ। तो आपको जो है ऐसे कड़वे अनुभव ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, तो आप उनसे सीख करके आप आगे बढ़िए लाइफ में और ऊँची उड़ान भरिए। यानी कि अपने एक्सपीरियंस से सीख करके आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आइए और आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना कीजिए। यानी कि हम कई बार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा अपना तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि ये किस कारण से हुआ है, ये हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, ये सिचुएशन ऐसी क्यों बनी है। सब लोग ठीक ठाक चलते रहते हैं और अचानक से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। घर परिवार में अचानक से लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के, या कोई हमें जो है हर्ट कर देता है अपने शब्दों से। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी पास्ट में, यानी कि पिछले जन्म में, हमने भी उनको कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोले थे जिसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं। तो आप उस परिस्थिति का सामना करने की कोशिश कीजिए, ये कहा गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आप उनसे भागते हैं, उस परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं करते हैं, सामना नहीं करते हैं। सामना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में दुख आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो वो आपको महसूस नहीं होंगे, ठीक है। कम ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, और ये मैंने खुद अनुभव किया है गाइस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको चाहे कोई कितना भी हर्ट करे, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है अनुभव किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब आप ये कहेंगे, मैडम आप वीडियो बनाते तब आप कुछ कुछ कहते रहते कि उसने मुझे ये कहा, उसने कमेंट ऐसे किया, ऐसा नहीं है गाइस। ये तो मैं सिर्फ आपको रियलाइज़ कराने के लिए बोलती हूँ कि जिसने भी कहा है उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये तो हमारा एक परिवार है, हमारी फैमिली है, हम आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी और को कहते तो कितना बुरा लगता है। लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है मेडिटेशन करके कि अगर हम मेडिटेशन करके एनर्जी को बैलेंस करते हैं, फिर चाहे सामने वाला सर फोड़ फोड़ के मर जाए आपके साथ में, थोड़ी देर बाद आप वैसे के वैसे रहेंगे। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो है कि एनर्जी में शिफ्ट आता रहता है। आज एनर्जी कैसी है, कल को कैसी होगी, एक जैसी रहती नहीं है, ठीक है। और एंजल्स हमें देखिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एंसेस्टर हैं, एनिमल स्पिरिट्स गाइड्स हैं, जो हमें हमारा रास्ता दिखाते रहते हैं, जैसे फैदर के माध्यम से, कोई सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से, तो वो हमें गाइडेंस देते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एनर्जी में चेंज आता है, आज एनर्जी हमारी दुखी है, कल को वही एनर्जी चेंज होकर के हम खुश भी रहेंगे और खुशी का अनुभव भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब एनर्जी का खेल है। और देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बार बार कचोट रहा है कि ये मुझे ये सब क्यों मिल रहा है, ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब का आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। 200% करेक्ट बोलती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में इस पर्सन के साथ में थे कि नहीं थे, आपके इसके साथ क्या कर्म आज है, जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बनकर आई है, वो भी पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ में वो किस कारण से आई है। मैं गारंटी से दावे के साथ में कह सकती हूँ इसको।
अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और फिर आप जो है गॉड से, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपको सारी बातों का पता चल जाएगा, आपके सारी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में घूम रहे हैं वो सब का आंसर आपको मिल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके पास में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मील के पत्थर पर लिख दिया, ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ मिट नहीं सकता है। जो हमारा भाग्य है ना, हम उसको अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से उसको बदल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर टाइम हमारे पास दुख ही दुख रहेंगे। वो दुख कब रहते हैं, जब हम उसका रोना रोते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। बार बार हम उसी को रिवाइज करते रहते हैं, बार बार दूसरे को बताते, तीसरे को बताते, चौथे को बताते हैं। तो गाइज, मैं कल भी मैंने वीडियो में बताया था, आज बता रही हूँ कि वो दुख जो है हमारे तभी ख़त्म होंगे जब हम उनको माइंड में बार बार नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। और मैं गारंटेड कहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो हम भूल जाएंगे ना, अगर हम किसी क्रिएटिव वर्क में लग जाएंगे, अगर हम किसी वर्क में लग जाएंगे तो हमें याद आते हैं, नहीं आते ना। पूरे दिन अगर हम घर में बिजी रहते हैं अपने काम में तो हमारे को याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग खाली रहेगा, खाली बैठेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें बार बार जो है हमारे माइंड में ना आए। और सब कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये दुख आए थे तो उसके बाद सुख नहीं आएंगे, वो भी हमारे हाथ में है। मेहनत करेंगे, एक रास्ता अगर बंद हो गया दूसरा रास्ता गॉड जरूर खोल के देता है। इसलिए हमें उन रास्तों को देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता खुल रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। विंटर का वेट करिए, यानी कि विंटर में आपके लिए कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो खुशियां आप अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विंटर तक आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। तो विंटर तक आप जो है थोड़ा सा वेट करिए। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जॉब करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विंटर तक आप वेट करिए। विंटर में आपकी सारी जो खुशियाँ हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रीसियस टाइम। ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है। इसमें बताया गया है कि अपने एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़िए और इसको और ज़्यादा प्रीसियस बनाइए। किसी के पास खड़े होकर के, किसी से गपशप करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये ज़िंदगी में जो आपको टाइम मिला है, जो सेपरेशन का टाइम है या जैसे भी हमारे पास जो टाइम है, उसको हम वेस्ट ना करें, उसको हम यूटिलाइज़ करें। किसी काम में लगा करके, किसी वर्क में लगा करके अगर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट तो होगा ही होगा, दूसरा हमारे दुख कम याद आएंगे, तीसरा जो है उससे हमें जो है सुकून भी मिलता है कि मैंने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, तो कितने फ़ायदे हैं इसके। और टाइम पे आप उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पर वर्क करेंगे तो आप बिजी रहेंगे। आप अगर बिजी रहेंगे तो इससे आप जो है फालतू की बातों में ध्यान नहीं देंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे तो टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर सारे काम होंगे तो एकदम आप फिट एंड फाइन रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको अंदर से खुशी मिलेगी वो अलग। और आप किसी को कुछ दे पाएंगे, मतलब अगर आप अपने काम के जरिए अगर किसी को गाइडेंस दे पाते हैं या कुछ और जो है उनको गाइड कर पाते हैं तो इससे आपको कितनी खुशी मिलेगी कि मैंने किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी हैं, ठीक है, किसी का मार्गदर्शन किया है, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी मिलती है। इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, बहुत ही प्रीसियस टाइम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही कहा गया है कि आप शायद ठीक से नींद नहीं लेते हैं, ठीक से खाते पीते नहीं हैं, ठीक टाइम पर काम नहीं करते हैं, ठीक टाइम पर उठते नहीं हैं। इसलिए आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, आप रेस्ट भी कीजिए, काम भी कीजिए, जो भी आप फन करते हैं वो करिए, लेकिन टाइम पर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, आप हैप्पी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें और ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। और आपको पावर नैप लेनी है, दोपहर में भी आप थोड़ा सा जो है आप सोने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी बॉडी एकदम जो है अच्छा फील करे, ठीक है। चलिए अभी हम आपकी रीडिंग देखते हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी,
डस्ट रहे। तो गाइज मैं अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो यहाँ पर मुझे गाइज दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है दुखों का पहाड़ टूटा है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या जिनसे वो जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी से, उनकी कोई रिलेटिव्स हो सकती हैं, उनके अपने कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, थर्ड पार्टी भी हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी की डेथ हो गई है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा झटका लगा है थर्ड पार्टी को ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइज आप देखिए कैसे उदास बैठी थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन भी परेशान हैं और दूसरे लोग आसपास खड़े हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा झटका आया है थर्ड पार्टी में ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी में बहुत दुखों का पहाड़ टूटा ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, जिसके साथ रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। यहाँ पर तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कार्ड में वही मैं बता रही हूँ, और एक कार्ड के हज़ारों मीनिंग होते हैं, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, और आगे भी ध्यान रखना कि एक कार्ड के हज़ारों मीनिंग होते हैं, जितनी उसमें जो आकृति बनी होती है उसका भी मीनिंग होता है, ठीक है। लिखने का मीनिंग नहीं होता है, उसमें जो फोटो बनी होती है उसका भी मीनिंग होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी गाइस कि अभी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सदमे में है, जैसे किसी ने उनको छोड़ दिया हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कि उनका अपना कोई बहुत प्यारा था जो उनको छोड़कर चला गया ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है ना, सबके साथ होता है, किसी को दो दिन पहले दुख मिलते हैं, किसी को दो दिन बाद में मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मान नहीं रही है, बहुत उदास हो रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह रही है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसका इफ़ेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी आपके पार्टनर की प्यास को कौन बुझाए? हाँ, वो थर्ड पार्टी तो उदास है, सैड है बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन ही जो है अपना सारा काम खुद कर रहे हैं, वो तो उदास होकर बैठ गई है, ना खाना ना पीना, उनके लिए खाना परोसना, उनको पानी की पूछना, उनको चाय कॉफ़ी की पूछना आपके पर्सन ही कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर देखिए प्रेस कर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं और उनका भी काम करना उनको पड़ रहा है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुख में है ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपके पर्सन को समस्या हो गई है कि वो अभी अपने जॉब करियर पर ध्यान दें या उस थर्ड पार्टी को संभालें ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उसको लेकर के भी परेशान हैं, उस परिस्थिति से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी थर्ड पार्टी की कुर्सी जो है वो खाली हो गई है, जो बैठ कर के राज करती थी आपके पर्सन के सामने, जो वो तड़ी दिखाती थी, जो वो अपने आप में बड़ा धौंस जमाती थी आपके पार्टनर के सामने, उसकी कुर्सी खाली हो गई, क्योंकि अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि सदमे में है, तो वो इतना रोब में रहती नहीं है, टूट चुकी है, ऐसे लगता है जैसे अंदर से वो टूट गई हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन उसके लिए फ्रूट ला कर देते हैं, चलो ये खाओ, अंगूर खाओ, अनानास खाओ, है ना, कुछ भी फ्रूट जो उनको अच्छे लगते हैं वो उनको ला करके देते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी बहुत खातिर पानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं और इनके लिए ये सब कुछ परोसा जा रहा है, और यहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं ऐसा वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उनको बैठा करके अपने पास में देखिए कैसे खिलाया जाएगा, उनको साथ में बिठा करके वो कैसे उनकी सेवा पानी कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि देखिए थर्ड पार्टी को बहुत सारे लोग समझाने के लिए आते हैं, आस पड़ोस के लोग, कि आप ऐसा ना करें, आप इतने दुख में ना जाएं। बहुत ही सुंदर लग रही है थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर तो, और बहुत ही क्यूट सी स्माइल थी उनके फेस पर, वो कहीं गायब हो गई है। तो आपके पर्सन इससे बहुत दुखी हो रहे हैं, दूसरे लोग भी उनको समझाने के लिए आते हैं कि ये तो सबकी लाइफ में होता है, दुख तो सबकी लाइफ में आता है, आना जाना तो सबकी लाइफ में बना रहता है, तो आप ऐसे ना उदास हों, और ये कड़वे मीठे अनुभव सबकी लाइफ में होते हैं। आपके पर्सन देखो मिठाई खिला रहे हैं, उनका शायद हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हों, लेकिन पास ही में उनका बर्थडे हो, जो ये दुख उनके ऊपर टूटा है, जो पहाड़ टूटा है उनकी लाइफ में, हो सकता है उसके आसपास ही उनका बर्थडे हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो देखो कैसे बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो उदास होकर के बैठे,
कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, नहीं नहीं मुझे नखरे दिखा रही है, बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन उनके बहुत ज़्यादा नखरे देख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी खाली खाली सी हो गई है, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, ये तो उदास बैठी है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, कोई मुझे खुशी दे, कोई मेरी प्यास बुझाए, ऐसा वो कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये डेस्टिनी का रोल है, डेस्टिनी तो दुख तो देगी कि सभी को देती है, ठीक है, ये जो आना जाना यानी कि जीवन मृत्यु ये तो सब डेस्टिनी का ही रोल है, और किसी को दुख मिलते, कोई बीमार हो जाता है, किसी को और तकलीफ़ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब के कुछ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें भोगना पड़ता है, और जीवन मरण तो सबके लाइफ में आता है, दो दिन पहले तो दो दिन बाद में। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे बहुत परेशान लग रही है, तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और वो गॉड से प्रे भी कर रही हैं कि किसी तरह से इस दुख से मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी में जैसे अंधेरा छा गया हो, मातम सा छा गया हो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ चोरी छुपे कुछ कर भी रही है, ये उनके सामने तो बहुत ज़्यादा हर्ट होकर के दिखाती है, और यहाँ पर तो इसका चेहरा देखो, देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो चोरी छुपे वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है। दुख तो हुआ होगा मैं मानती हूँ, लेकिन दुख के सहारे वो और भी कुछ फ़ायदा उठा रही है आपके पर्सन का, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो धुनी वगैरह जलाई जा रही है, जादू टोना किया जा रहा है कि किसी तरह से ये और मेरे पास आए, और मेरे पास आए, और इसको कंट्रोल किया जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में बड़ा झटका आया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बड़ा झटका लगा है थर्ड पार्टी को, और आपके पर्सन तो फिर दुखी होना ही था, उनके सहारे उनको भी दुख मिलने थे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो सब कुछ देख रहा है, डेस्टिनी तो सब कुछ देख रही है, सबकी लाइफ में दुख सुख आते हैं, है ना, वो थोड़े से दुख से इतना परेशान हो गए और किसी की इतनी ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरे व्यूवर्स की, उसका दुख नहीं है उनको। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उस अपने प्यारे को याद करके, जो उनका अपना प्यारा था कोई जो चला गया इस दुनिया, उसको याद करके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुख में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन को अपने पैसों की टेंशन हो रही है, ये थर्ड पार्टी ऐसे चलती रहेगी तो फिर तो उसके पैसे डूबने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उसको जो है आपके पार्टनर टेंशन नहीं देंगे तो वो आपको पार्टनर को गिनना बंद कर देगी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को अपने पैसों की भी टेंशन है, अभी सारा बोझ आपके पर्सन के ऊपर आकर गिर गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर गिर गई है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है कहीं घूमने के लिए जाना चाहते ताकि उनको शांति मिले, खुशी मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उनको ऐसा मानते हैं कि बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है, और अभी उनके बीच में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी बहुत परेशान हो रही है, थर्ड पार्टी में बहुत बड़ा झटका आया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस ध्यान रखना कि सेकेंड जो रीडिंग मैं डालूंगी उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लोग भी मेरी उस रीडिंग को जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे से, और जो है सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मैं डेली एक क्वेश्चन लूँगी, और आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं करंट फीलिंग्स का लूँगी, ठीक है, मैं बता देती हूँ करंट फीलिंग्स का लूँगी मैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।